वेलकम टू स्टोनो डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कुछ महान राष्ट्रीय हस्तियां ऐसी होती हैं जिनकी निष्ठा और सेवा राष्ट्र की रगों में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसी ही एक महान विभूति थे तिरुनेल्लई नारायण अय्यर सेशन, जिन्हें दुनिया TN सेशन के नाम से जानती है। वह भारतीय चुनावी व्यवस्था ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय लोकतंत्र में एक अनुपम अध्याय की तरह हैं। जब भी कहीं भारत में लोकतंत्र या चुनाव की चर्चा होगी सेशन अध्याय को अवश्य याद किया जाएगा। आज जिस चुनाव व्यवस्था पर हम गर्व करते हैं उस गर्व को गढ़ने में सर्वाधिक योगदान सेशन का ही है। मोटे तौर पर 1991 से लेकर 1996 तक के पूरे 6 वर्ष के समय में यह जो ऐतिहासिक अध्याय रचा गया था उसे सेशन ने अपनी ईमानदारी कर्मठता और सबसे बढ़कर निडरता से सींचा था। इन ईमानदारी उन्हें दूसरों की बेईमानी पर उंगली रखने का नैतिक बल देती थी। वह भ्रष्ट पक्षपाती और कमियों से बोझिल चुनाव तंत्र की मरम्मत इसलिए कर पाए क्योंकि वह ईमानदार थे। इस ईमानदारी ने ही उन्हें देश सेवा में कर्मठता के लिए प्रेरित किया और ईमानदारी व कर्मठता के कारण ही उनकी निडरता का देश को अमिट लाभ हुआ। तभी सेशन वह अविस्मरणीय योगदान दे पाए जिसकी तलाश भारतीय लोकतंत्र को 40 वर्षों से थी। जब वह रिटायर होकर सामान्य जीवन जीने लगे थे तब भी लोग उन्हें नहीं भूले थे। जिन लोगों ने 1990 के पहले के चुनावों को देखा है उन्हें सेशन होने का मतलब बेहतर पता होगा। किस तरह से कुछ सरकारें अपने हिसाब से अधिकारियों को चुनाव के समय पदस्थ करती थीं, किस तरह से कई मतदान केंद्रों को लूट लिया जाता था, कैसे चुनाव व्यवस्था पर स्थानीय दबंग अपराधी हावी हो जाते थे। ऐसे में सेशन पहले ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने चुनाव प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों पर चलाना शुरू किया। पहली बार आचार संहिता को मजबूती से लागू किया गया। पहली बार धन और बल के जोर पर होने वाले चुनावी खिलवाड़ पर शिकंजा कसा गया। पहली बार सुरक्षा बलों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बड़ी जिम्मेदारी देकर तैनात किया गया। पहली बार देश पुख्ता मतदाता पहचान पत्र की ओर बढ़ा। सेशन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए हमेशा एक मिसाल रहेंगे। उन्होंने सिद्ध किया कि अधिकारी चाह ले तो बहुत कुछ कर
सकता है। संविधान ने आयोग को शक्तियाँ पहले भी दे रखी थीं, पर उन शक्तियों के उपयोग का नैतिक बल सेशन में था। वह समझ गए थे कि संविधान ने निष्पक्ष चुनाव कराने की महती जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दे रखी है। यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे ताकि मतदान सही हो और वाकई चुने हुए लोग ही सरकार बनाएं। सेशन की यादों के साथ जुड़े कुछ अफसोस भी हैं जो अनायास उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एक अफसोस तो यही कि देश के सबसे क्रांतिकारी चुनाव आयुक्त पर लगाम के लिए सरकार ने चुनाव आयोग का विस्तार किया था। सेशन रिटायर होने के बाद भारतीय व्यवस्था में अपने लिए भूमिका तलाशते रहे, मन चाहा नहीं कर पाए। भारत का लोक आज सेशन को तहे दिल से श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय शासन प्रशासन उन्हें तभी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगा जब व्यवस्था में ईमानदार कर्मठ और निडर अधिकारियों को आगे लाया जाएगा। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।